जिस देश की आबादी, जिस देश के लोग जितने ज्यादा स्वस्थ होते हैं, वो राष्ट्र भी उतना ही समर्थ होता है। कोरोना महामारी ने न सिर्फ अन्य रोगों से जूझ रहे लोगों के इलाज में भी रुकावटें पैदा कर दी, बल्कि बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए लगने वाले जरूरी और नियमित टीके भी नहीं लग सके। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कोविड काल में नियमित वैक्सीन से छूटे इन बच्चों के लिए मिशन इंद्रधनुष 3.0 शुरू किया। इसमें वैक्सीन ड्रॉपआउट यानी वो बच्चे जिन्हें एक या दो वैक्सीन लगी है को दोबारा मिशन से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत देश के उन बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाना है जिनका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से छूट गए हैं। इसमें 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। ये वो बच्चे और गर्भवती महिलाएँ हैं जो कोविड महामारी के कारण टीके की खुराक लेने से चूक गए हैं। पीएम मोदी मिशन इंद्रधनुष 3.0 पर कहते हैं कि पहले जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण चल रहा था, उस हिसाब से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब 40 साल लग जाते। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 190 जिलों में टीकाकरण अभियान पर कराए गए सर्वेक्षण के नतीजों में पाया गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की तुलना में पूर्ण टीकाकरण के मामलों में 18.5% तक का इजाफा हुआ है। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 7 जून तक लगभग 3,99,650 बच्चों और 96,907 गर्भवती महिलाओं को टीके लगाए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज वैक्सीन शामिल हैं, जिनमें डिफ्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा टाइप बी इन्फेक्शन, जापानी इंसेफेलाइटिस रोटा वायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन और खसरा रुबेला शामिल हैं। बता दें, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत देश के सभी जिलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसमें 313 जिलों को कम जोखिम वाले, 152 जिले मध्यम जोखिम वाले और 250 जिलों को सर्वाधिक जोखिम वाली कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर मिशन इंद्रधनुष 3.0 में 90% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं कि इस अभियान के तहत हमें देश के सभी जिलों में 100% तक टीकाकरण करने की कोशिश करनी है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। आप सबके मन में संकल्पना ये स्पष्ट होनी चाहिए कि हम सबको तब तक चैन की सांस नहीं लेनी है जब तक हम देश के अंदर 100% बच्चों को वैक्सीन और 100% गर्भवती माताओं को वैक्सीन देने का काम सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक अर्जित न कर लें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साल 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें ऐसे बीमारियों को शामिल किया गया था जिनसे वैक्सीन से रक्षा कवच बनाया जा सके। कोरोना से पहले की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हर साल लगभग 2,06,00,000 बच्चों और 2,09,00,000 गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन दी जाती थी। साल 2014 में इस कार्यक्रम को मिशन इंद्रधनुष के साथ नए क्लेवर के साथ शुरू किया गया, जिसके बाद देश भर में टीकाकरण में तेजी से बढ़ोतरी हुई। बता दें, कोरोना काल से ठीक पहले वर्ष 2019 में देश के मिशन इंद्रधनुष ने 91% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया था। ये आंकड़ा वर्ष 2006 में 65, वर्ष 2007 में 64 और वर्ष 2017 में 89% था। पीएम मोदी कहते हैं कि हमें इलाज की सुविधा बढ़ाने के साथ ही उन बातों पर भी जोर देना है जो बीमारी की वजह बनी है।
सचमुच देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाना हो, करोड़ों शौचालय का निर्माण करना हो, आयुष्मान भारत योजना को घर घर तक पहुंचाना हो, पोषण अभियान हो या मिशन इंद्रधनुष ही क्यों ना हो, इन सब के पीछे यही सोच है कि हमें हेल्थ को लेकर टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्णता की सोच के साथ काम करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।